हेलो गाइस, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करेंगे कि BSTC का जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है 31 अगस्त को, उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। कई विद्यार्थियों के मन में ये बात है। अगर अपन पेपर का एनालाइज करें तो GK जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे वे काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे, पहली बात। दूसरी बात, रीजनिंग पूछी गई वो भी इजी, काफ़ी इजी थी। शैक्षिक अभिरुचि भी इजी थी। तो पेपर का स्तर अपन देखें तो सामान्य स्तर का पेपर था, यानी ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था। दूसरी बात, अब अपन बात करेंगे कट ऑफ की, लेकिन कट ऑफ इतनी रहने का आधार क्या है ये भी बात करेंगे, और 2020 में कट ऑफ क्या रहेगी उनके बारे में बात करें। तो 2020 की कट ऑफ की अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी अपन बात करें मेल फीमेल की लगभग 410 से के आसपास रही थी, 420 तो नहीं गई थी लेकिन 410 के आसपास रही थी। OBC मेल की 410 के आसपास थी, फीमेल की हाँ 385 के आसपास रही थी, यह 2020 की कट ऑफ थी। और SC की 270 के आसपास रही थी। लेकिन अब अपन देखेंगे वर्तमान 2021 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अपन बात करें कट ऑफ भी, हाँ एक प्रभाव यह रहेगा कि इस पर कोचिंग का सारा विद्यार्थी नहीं मिल पाया, तो इसे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पर बात करें जनरल की कट ऑफ तो 410 के आसपास रहने की संभावना, 425 तो नहीं जाएगी लेकिन 410 जनरल मेल की आराम से कट ऑफ जाएगी, ये फिक्स है, क्योंकि पेपर काफ़ी इजी था। और दूसरी बात, अपन बात करें तो BSTC में पोस्टों की संख्या 22,000 के आसपास पोस्ट हैं, तो इस स्तर से ये रहने वाली, नहीं तो और ऊपर जाती। जनरल फीमेल की बात करें तो 405 के आसपास रहेगी। OBC 390 पे सिलेक्शन हो जाएगा, OBC जो मेल वाले हैं 390 पे और फीमेल 385 पर, SC मेल की 370, SC फीमेल की 340, ST 360 और ST फीमेल 310 रहने की संभावना है। ये न्यूनतम है और इस साइड जो दिया गया अधिकतम है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। लेकिन जिस विद्यार्थी OBC और सामान्य वर्ग का अगर विद्यार्थी है और उनके 400 प्लस नंबर है तो उनका तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ये क्लियर कट बात है। जो और SC ST के विद्यार्थी है तो उनका सिलेक्शन जो है वो 370 प्लस अगर वे उनको आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो यह थी आपके लिए कट ऑफ। और अलग से अगर अपन बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ का और अपन ज़्यादा से गहराई से अध्ययन करें तो आपको कितने नंबर आए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो वर्तमान की जारी है उनके अनुसार, क्योंकि अभी भी फाइनल की जारी होनी बाकी है। फाइनल की जारी होने के बाद अपन देखेंगे कितने क्वेश्चन रिलेट हुए हैं या और क्या मामला है। ज़्यादा क्वेश्चन रिलेट होने की तो बात है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आपको कितने नंबर आए रहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि आपको कट ऑफ का आइडिया अपन लगा सकें। हमको जो विद्यार्थियों ने जो अंक बताएं उस आधार पर हम बता रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।